फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माइलो फैमिली चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के फिफ्थ मंथ के दौरान बेबी के ग्रोथ में डेवलपमेंट्स के बारे में, साथ ही साथ ये भी कि इस मंथ के दौरान बेबी किस तरह के मूवमेंट शुरू कर देता है। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं प्रेगनेंसी के मिड पॉइंट यानी 17वें से 20वें हफ्ते के दौरान बेबी के ग्रोथ डेवलपमेंट्स के बारे में। लेकिन इस वीडियो को हम और आगे बढ़ाएं, इससे पहले हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूलें। प्रेगनेंसी के फिफ्थ मंथ के दौरान आपका बेबी वजन और साइज में बढ़ने से लेकर बॉडी मूवमेंट्स तक का सफर तय करता है। इस वक्त तक आपके अनबॉर्न बेबी की हाइट 6.5 इंच और उसका वेट लगभग 10 आउंस यानी कि 226 ग्राम तक हो जाता है। फिफ्थ मंथ के दौरान बेबी की मसल्स और बोन्स पूरी तरह से डेवलप होने की वजह से इस वक्त तक अब आपका बेबी किक मारने लगता है और अंगड़ाइयां लेना भी शुरू कर देता है। एक एक्सपेक्टिंग मदर को अब अपने वूम में बच्चे के लिए छोटे छोटे मूवमेंट्स फील होने लगते हैं। साथ ही इस वक्त तक बच्चे की बॉडी में एक मेजर बदलाव आता है। इस समय बच्चे की बॉडी को एक प्रोटेक्टिव लेयर कवर कर लेती है, जिसे वर्निक्स कैसियोसा भी कहते हैं। ये एक बायोफिल्म की तरह प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कि बच्चे की बेहद नाजुक स्किन को एम्नियोटिक फ्लूइड के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आने से रोकती है। इसके साथ ही फिफ्थ मंथ तक आपके बेबी की फिंगर्स में फिंगरप्रिंट्स बनने भी शुरू हो जाते हैं, जो कि आगे चलकर आपके बेबी को एक यूनिक पहचान भी देते हैं। 17वें से 20वें हफ्ते के बीच ही आपके बेबी के गम्स के नीचे दांत बनने की शुरुआत भी हो जाती है। प्रेगनेंसी के 20वें हफ्ते के दौरान आपके बेबी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं। अगर आपका अनबॉर्न बेबी एक बेबी बॉय है तो उसके टेस्टिकल्स पूरी तरह से डेवलप हो चुके होते हैं। अगर आपका अनबॉर्न बेबी एक बेबी गर्ल है तो उसका यूट्रस पूरी तरह से बन जाता है। साथ ही उसकी ओवरीज में एग डेवलपमेंट भी होने लगता है और उसके निपल्स भी दिखाई देने लगते हैं। माँ के शरीर में होने वाले बदलाव। बच्चे की रैपिड ग्रोथ के लिए उसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है और इसीलिए एक्सपेक्टिंग मदर्स फ्रीक्वेंट हंगर फील करती हैं। आपको इस वक्त अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखना चाहिए, साथ ही प्रोटीन रिच डाइट भी लेनी चाहिए। फ्रूट सैलेड और मल्टीग्रेन डाइट का वेल कॉम्बिनेशन ही इस वक्त आपके और आपके नन्हे बेबी के लिए बेहद जरूरी है। फिफ्थ मंथ के दौरान आपको बैकएक और लेग क्रैम्प की प्रॉब्लम शुरू हो सकती है, जो कि नाइट आवर्स में ज्यादा एग्रीवेट हो जाती है। एक्चुअली फिफ्थ मंथ तक बेली साइज बढ़ने की वजह से आपकी कमर पर लगातार प्रेशर पड़ता रहता है, जिसकी वजह से एक्सपेक्टिंग मदर्स को इस दौरान बैकएक की प्रॉब्लम ज्यादा फील होती है। प्रेगनेंसी सिर्फ मुश्किलों का नाम नहीं, इसीलिए फिफ्थ मंथ तक आते आते आपको आपकी स्किन और बालों में एक अलग तरीके का ग्लो और शाइन फील होगा। इसका कारण है बॉडी में बढ़ा हुआ ब्लड सर्कुलेशन, जिससे बॉडी के सभी पार्ट्स को प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलने लगते हैं और आपकी स्किन और आपके बाल भी उसी का एक हिस्सा है। जरा सोचिए, क्या ये किसी मिरेकल से कम है कि आपके वूम के अंदर एक नया व्यक्ति आकार ले रहा है जो कि कुछ समय बाद उस दुनिया में आ जाएगा। इसीलिए इस दौरान अपना ध्यान रखना और अपने उस गर्भ में पल रहे बच्चे का ध्यान रखना इस वक्त आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये थे प्रेगनेंसी के फिफ्थ मंथ के दौरान आपके बेबी के ग्रोथ पैरामीटर्स और आपकी बॉडी में होने वाले बदलाव। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी ही और एक्सपर्ट एडवाइसेस चाहिए तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। अगर आपको चाहिए ऑनलाइन एक्सपर्ट कंसल्टेशन, फ्री बेबी डाइट चार्ट या फिर अन्य टूल्स जो कि आपकी मदद करें, तो डाउनलोड करें माइलो ऐप।